जीत की तैयारी नहीं, तैयारी जीत है भाई। तो मतलब ये सर वगैरह ना ये हायरार्की है, ठीक है, समझ में आता है। ये कुछ चीज होती है बीच में ना, ये पढ़ाने वाला अपना ही भाई है, बाकी भाई मैं तो कोई होता ही नहीं कुछ कहने वाला। देखो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सिस्टम है एजुकेशन में। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जितना खतरनाक है ना, जितना जहरीला है, ये सिस्टम चल ही सिर्फ प्रेशर की वजह से रहा है भाई यार। इसमें तो मतलब गूज़बम्प्स आ गए जो इसने बात बोली है ना भाई। तीनों सीजन देखूंगा और उस। हाय गाइस, मैं हूं कृष्ण, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा वीडियो शुरू करते हैं, बात साथ में कर ही लेंगे। देखो मुझे लगता है कि हमें सक्सेसफुल सिलेक्शंस के साथ साथ सक्सेसफुल प्रिपरेशन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। जीत की तैयारी नहीं, तैयारी जीत है भाई। बात तो सही है, राइट, तैयारी जीत है। तो दोस्तों ये है कोटा के बेस्ट टीचर जीतू भैया। हाँ या ना, कुछ बोल भाई। हाँ या। यार ये एक्टर बड़ा जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। जीतू सर क्यों नहीं? मैम क्या है, कोटा में बच्चों के लिए सब कुछ होता है, पर ये लोग सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स नहीं हैं। हम लोग भूल जाते हैं, लोग 15-16 साल के बच्चे हैं, दुनिया भर के इन्फैचुएशंस हैं, सिक्योरिटीज हैं। टीचर डांट दे तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, दोस्त ने कुछ कह दिया तो वो इनको बुरा लग जाता है। हर चीज सीरियसली लेते हैं लोग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है। यार इस चीज से ना मैं भी अग्री करता हूँ, मतलब ये सर वगैरह ना ये हायरार्की है, ठीक है, समझ में आता है, पर इससे ना अपनापन खत्म हो जाता है। एक सर को तुम भाई करो ना, एक वो बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है, एक वो चीज होती है बीच में ना, जिसके चक्कर में क्या आप ट्रस्ट करते हो, दूसरा आप पे ट्रस्ट करता है, आप रिलाय भी कर सकते हो इसी वजह से दूसरे पे ना। और जो चीजें नहीं भी बन रही होती, मतलब जो स्टडी आप वैसे ना कर पाओ पर एक रिलेशन के कारण आप करोगे कि यार अपना ही बंदा तो है समझाने वाला, ये पढ़ाने वाला अपना ही भाई है, ऐसे करके हो जाता है। पर ये चीजें ये नहीं समझते आजकल के जो टीचर वगैरह है, समझना चाहिए इन्हें। बाकी भाई मैं तो कोई होता ही नहीं कुछ कहने वाला। देखो जीतू सर नहीं ले पाएंगे, पहले कहते हैं 11 लाख स्टूडेंट्स के साथ जेई का एग्जाम दो और टॉप 1% में आओ। चलो ठीक है, मान लिया। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इससे भी आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके साथ आपको बोर्ड से 75% लाने होंगे। ये कैसा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है बे इनका? हमसे तो डीपी भी नहीं हो पा रही है, टेस्ट सीरीज तो बहुत दूर की बात है अभी। बिना तैयारी के अगर उतरे, ये फैक्ट है, तुम जाके गूगल कर लेना, जिसको फैक्ट चेक करने हो चेक कर लेना। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सिस्टम है एजुकेशन में, चेक करना। इसीलिए यहाँ के जो बच्चे हैं बाहर इतनी इजीली हायर हो जाते हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जितना खतरनाक है ना, जितना जहरीला है, वो तैयार भी उसी हिसाब से करता है। मतलब मेरे को ये लगता है कि जो प्रेशर में बंदा कर गया ना, वो किसी भी सिचुएशन में कर सकता है। तो काइंड ऑफ ये प्रेशर पता नहीं इसलिए रखते हैं, या ये सिस्टम चल ही सिर्फ प्रेशर की वजह से रहा है। बाकी देखो अब तुझे बताएगा कौन कि तू तैयार है। अरे फायदा तो तब होगा जब तुझे तेरा सत्य पता चलेगा, टेस्ट सीरीज का कॉम्पिटिशन बताएगा कि कहाँ स्टैंड करते हो, क्या रैंक आ रही है। आपको पता तो है कोटा फैक्ट्री बन चुका है, जहां पहले धीरे धीरे तराश कर बच्चों को काबिल बनाया जाता था, वहां मास प्रोडक्शन लग गई है। अलग अलग फैक्ट्री में रेस लगी हुई है। एंड ऑफ द ईयर हमें भी तो रैंक से दिखाने पड़ेंगे ना, मैटर तो हमारे लिए भी रिजल्ट ही करेगा। आईआईटी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या करेगा, पहाड़ में जाए क्या? फालतू का ड्रामा लगा रखा है। पार्टी पार्टी पार्टी, मिंकू का सिलेक्शन हुआ है, मेरा नहीं, उससे जाके मांगो ना पार्टी। एक आखिरी बार जोर लगा दो और एडवांस में तोड़ फोड़ मचा दो। सर मेरे लिए हस्बैंड मैटर करता है, वो रैंक लाके दे या ना दे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता सर। मैंने एमर्स खोला ही इसी फिलॉसफी पे और इसी फिलॉसफी पे चलाऊंगा। ड्रीम नहीं एम बोलो, ड्रीम बस देखे जाते हैं, एम अचीव किया जाता है। भाई यार इसमें तो मतलब गूज़बम्प्स आ गए जो इसने बात बोली है ना भाई, थिंकिंग ही चेंज कर दी। मतलब यार मैंने ना अब तक इसका एक भी एपिसोड नहीं देखा। हाँ मुझे ये पता था कि ये टीवीएफ ने क्रिएट किया, टीवीएफ का चैनल भी है द वायरल फीवर के नाम से, यूट्यूब पे आप जाके चेक कर सकते हो, वहां पे भी अच्छा ही कंटेंट अपलोड करते हैं, ऐसे सीजन वगैरह आते हैं, ठीक है, वेब सीरीज आती है, नेटफ्लिक्स पे भी आती है। कोटा फैक्ट्री का मैंने पर्टिकुलर मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा था, इससे पहले मैंने आज तक ट्रेलर टीजर कुछ नहीं देखा था, ना फर्स्ट सीजन का ना सेकंड सीजन का, सीधा थर्ड सीजन का अभी रिव्यू करने के लिए सीधा बैठ के मैंने देखा है। बट ट्रस्ट मी अपॉन दिस, मैं ये तीनों सीजन देखूंगा और उसके बाद तीसरे सीजन जब आएगा ना
मैं ये रिव्यू करूंगा या शायद एक का दिन ऊपर नीचे हो जाए, पर भाई ये देखना बनता है, ये हर एक को देखना चाहिए, पेरेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि ये ना कुछ ऐसा लेकर आएंगे कि लेकर आ चुके हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, जो कि ना समझना बहुत जरूरी है। हमारे को ना अपना विजन चेंज करना पड़ेगा, अपना होराइजन चेंज करना पड़ेगा और होराइजन वास्ट करना पड़ेगा। और ये जो प्रेशर के अंदर रहने की आदत भी डाल ली है ना, प्रेशर को प्रेशर की तरह ना लेकर ना उसको सिर्फ लेने का तरीका बदलना पड़ेगा। मतलब दबाव लेकर काम मत करो, जिम्मेदारी लेकर काम करो, वो वाली बात समझ रहे हो कि करना है, मजबूरी है, मजबूरी नहीं जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे लेकर चलो। बाकी भाई ये देखते मैं देखते के साथ इसको रिव्यू करूंगा, तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इस पे तुम्हें क्या लगता है कमेंट करके बताना। तब तक के लिए टाटा, अलविदा, सी यू, बाय बाय।